आज हम आपके साथ में दो विषयों पर चर्चा करेंगे कुछ दिन लगातार। सबके जीवन की मूल मांग होती है पहले तो स्वास्थ्य, और फिर दूसरी जीवन में सब प्रकार की सफलता चाहिए। सब क्या, सब प्रकार के क्या चाहिए सबको? सफलता। सफलता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सक्सेस। सक्सेस चाहिए सबको। साफल्यम वंचति सर्वेपि जना, पुनः स्वास्थ्यम अपि। तो स्वास्थ्य और सफलता, हेल्थ एंड सक्सेस, दिस इज द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सॉल्स। तो जीवन में सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कुछ लोग तो बहुत कामयाब होते हैं, बहुत सफल होते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां की होती हैं जीवन में, और उनका योगदान देखें, योगदान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? तो कंट्रीब्यूशन देखें उनका, तो अलग अलग फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, आईटी में, डिफरेंट इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में, रिसर्च में, नए नए इनोवेशन इन्वेंशंस में, सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, फिर हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरमेंट में, कला में, संगीत में, साहित्य में, खेल में, सैकड़ों विषय हैं। इसलिए आज शिक्षा को केवल अक्षर ज्ञान नहीं माना जाता, नॉलेज तो होना ही चाहिए। जो हम पढ़ते हैं वो नॉलेज होता है, और उस नॉलेज को जब हम एग्जीक्यूट कर देते हैं तब वो स्किल हो जाता है। नॉलेज को, नॉलेज जब एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्किल। क्या बोलते हैं बच्चों? तो स्किल इज अल्टीमेट थिंग। नॉलेज भी सहायक है। अब जैसे आपको मैथमेटिक्स तो आता है, आपको, आपने बिजनेस की तो स्टडी कर ली, लेकिन यदि आपने व्यापार किया और उसमें हो गया आपको घाटा, अपने घर जमीन जायदाद बैंक में गिरवी रख करके आपने लोन लिया 5-10 करोड़ रुपए का, बड़े आदमी 100-100 करोड़, हजारों हजारों करोड़ का भी लोन लेते हैं, लाखों लाखों करोड़ का, कितने का, लाखों लाखों करोड़ का भी लोन लेते हैं, और फिर वो बिजनेस में लॉस हो जाए तो फिर तो खुद भी बर्बाद होंगे और देश को भी बर्बाद करेंगे, क्योंकि जो बैंकों में पैसा है वो आम लोगों का होता है। बैंकों में पैसा कौन जमा करता है? मजदूर लोग, किसान लोग, नौकरी पेशे वाले लोग, कोई भी सब पैसा जमा करते हैं, और वो पैसा जो है उन्होंने कुछ चीजें गिरवी रखी, मकान गिरवी रख दिया, कुछ उनके पास लैंड थी वो गिरवी रख दी, मॉर्गेज करना बोलते हैं इंग्लिश में उनको, तो मॉर्गेज करके लोन लिया और 5, 10, 100, 200, 500, 1000, 10000, 50000, 1-1 लाख करोड़ ऐसे देश में लाखों करोड़ रुपए के एनपीए हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? एनपीए, नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? पहले बोलते थे दिवालिया हो गए। क्या बोलते हैं पहले? दिवालिया। दिवालिया का भी नया शब्द आ गया कि बोले जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि दिवालिया कहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए नया नाम ढूंढ लिया है इन जो है खुद को और देश को जो बर्बाद करने वाले लोग हैं। ऐसे ही हमने भी एक दिवालिया हुई कंपनी खरीदी, 50 साल पुरानी कंपनी थी, जो उसके मालिक थे उन्होंने दिवालिया कर दिया था उस कंपनी को, फिर पतंजलि ने उसको खूब आगे लेकर के आए हम लोग, और आज उसमें जो है करीब करीब जो है 30 से 40 करोड़ लोगों तक उसके प्रोडक्ट पहुंचते हैं, उसका रुचि सोया नाम है, और उससे जब से हमने उसको अधिग्रहण करते हैं, जब से हमने उसका अधिग्रहण किया तब से वो रुचि सोया भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी हो गई। इसको कहते हैं ग्रोथ करना। ऐसे आपको चीजों को उभारना है, अच्छा करना है, तो कुछ लोग बिजनेस तो पढ़ लेते हैं, स्टडी में इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ लेते हैं, आपको भी आगे पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएगा, बिजनेस भी पढ़ाया जाएगा। कुछ लोग पढ़ करके भी लॉस करते हैं, घाटा करते हैं, खुद बर्बाद होते हैं, औरों को बर्बाद करते हैं, और कुछ लोग कम पढ़ करके भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन स्किल बहुत महत्वपूर्ण है।
क्या है बोलो, स्किल। जैसे धीरू भाई अंबानी, पता नहीं कितनी कक्षा पास थे, पांचवी आठवीं कुछ ऐसे ही थे, पांचवी आठवीं कक्षा पास थे, और उन्होंने जो है पेट्रोल पंप पर ऐसे ही पेट्रोल भरा करते थे, कुछ ऐसे काम करते थे पेट्रोल पंप पे। 500 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया, कितना आज उनके औलादों के पास में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हो गया, कितना 5 लाख करोड़, कितना होता पता है 5 लाख करोड़। किससे? दिमाग से, स्किल से। कैसे पैसा कमाया जाता है, ये स्किल होता है, दिमाग तो होना ही चाहिए उसके लिए। अब दिमाग पढ़ाई से भी आता है, दिमाग किन किन चीजों से बढ़ता है, पढ़ाई से, और किस किस चीज से बढ़ता है बोल तो, प्राणायाम से, आसन से। तो योग, योग बोलो, योग में किससे बोले तो एक योग से, एक तो पढ़ने से दिमाग बढ़ता है आप मैथ, और सबसे ज्यादा दिमाग कौन सी चीजों से बढ़ता है, मैथ सबसे ज्यादा दिमाग बढ़ता है। जो अभी तक सबसे पुरानी कोई तकनीक है दिमाग बढ़ाने की, अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं, हमने भी अष्टाध्यायी पढ़ी थी इसलिए दिमाग तेज हो गया, और इसीलिए बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो 100-100 साल से जड़े जमाए बैठी थी, हमने उनकी जड़े उखाड़ दी और बहुतों को हमने पराजित कर दिया और स्वदेशी का झंडा लहरा दिया। चाहे वो कोलगेट था, चाहे वो पेप्सोडेंट था, क्लोजअप था, चाहे वो यूनिलीवर के अलग अलग सारे के सारे, चाहे वो नेस्ले, चाहे कोका कोला, चाहे पेप्सी है, पेंटीन, इन सब की पेंट गीली करवा दी हमने। तो ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां थी। हमारा दिमाग कैसे बढ़ा, हमने पढ़ा अयोन रिली की ओम, कप चटत चटत कप शर, फिर उसके बाद अथ प्रथमो अध्याय प्रथम पाद। अब देखो दो सूत्र बताते हैं हमको, वृद्धि आदेश आ ऐ औ, इसका क्या नाम है वृद्धि। अब आ ऐ औ, आ ऐ औ पढ़ करके हमने ऐसे आ ऐ औ किया, वैसे वृद्धि की, ये तो वृद्धि व्याकरण की है। और हमने उद्योग में, योग के साथ किस में, उद्योग में, व्यापार के लिए नहीं उपकार के लिए, किसके लिए, व्यापार के लिए नहीं, किसके लिए, कमाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए, कमाई के लिए नहीं, किसके लिए, तो व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपकार के लिए और उपचार के लिए, कमाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए हमने काम किया। हम साधु आदमी, हमको क्या चाहिए, हम तो ऐसे ही जमीन पर ऐसे ही सोते हैं चद्दर बिछा करके और दो कपड़े रखते हैं। अब ये कपड़े तो हमारे ज्यादा से ज्यादा इनकी कॉस्ट कितनी होगी, कितनी, वैसे तो बहुत सिंपल से हैं, तो 50 रुपए मीटर भी हो तो कितना का हो गया, ढाई ढाई 5 मीटर का होता है, 250 रुपए के कपड़े और ये खड़ाऊ, ये खड़ाऊ तो जो है ये कम सालों साल चलती है, दसियों साल चल जाती है। कोई हम कोई लग्जरी वस्तु प्रयोग नहीं करते। सबसे ज्यादा लोग कहां कहां बर्बाद होते हैं, एक तो दवा माफियाओं में बर्बाद होते हैं, ड्रग माफिया, किस में बर्बाद होते हैं बोलो, जोर से बोलो। अब देखो कोरोना खाली ऐसे भस्त्री का प्राणायाम करने से, कपाल भाती से, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी ओम करने से ठीक हो रहा है। बोले इससे कोरोना कैसे ठीक हो रहा है, कोरोना सबसे पहले अटैक करता है हमारे फेफड़ों पर, किस पर अटैक करता है, फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं उनको बोलते हैं एल्वोलाइज, क्या बोलते हैं उनको, एल्वोलाइज को कर लेता है अकुपाई, एल्वोलाइज को क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है, उनको जाकर के ऐसे जकड़ लेता है, जकड़ करके फिर एक से दूसरे में जो है ना वो सिग्नल्स जाते हैं, हर पूरे एक सेल बॉडी का पूरे बॉडी के साथ सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से और जो है ब्लड के माध्यम से पूरा वो पूरा सारी सिग्नल्स एक दूसरे तक जाते हैं, फिर तो दूसरे को सिग्नल भेजता है और अपने ही जैसा दूसरे को बना लेता है, तो फिर वो एल्वोलाइज को अटैक करके और उसको उसके अंदर पास मवाद ये सब पैदा कर देता है,
कफ पैदा कर देता है और वो फिर वो सब एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद संक्रमित हो जाता है, और उसके बाद में फिर वो हमारे और शरीर के दूसरे ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाता है ब्लड में मिल करके, लीवर किडनी तक भी, फिर लीवर को खराब करता है, किडनी को खराब करता है, फिर हार्ट के ऊपर भी अटैक करता है, ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, आदमी मर जाता है। लेकिन जिसका फेफड़ा मजबूत होगा उसका कोरोना और कोरोना का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो हम योग से करवा देते हैं। अब जिसका ऐसा फेफड़ा होगा, अब लोगों में सांस ही कितना भरा जाता है बीड़ी पी पी के, सिगरेट पी पी करके, शराब पी पी करके, कोका कोला पेप्सी पी के, बर्गर पिज्जा खा के, जंक फूड खा के, फास्ट फूड खा करके, और शहरों का पूरा धुआं सूंघ सूंघ के साफ के फेफड़े कमजोर होते हैं, और हम करो अब जो ऐसे करेंगे है? और जो बच्चे तो फास्ट करते हैं ना, फास्ट करके दिखाओ, अब बताओ जो ऐसे 5 मिनट कर लेंगे उनको जिंदगी में कभी कोरोना नहीं। अच्छा बताओ, आदमी को नहीं, ये तो चमगादड़ को भी नहीं होता है, चमगादड़ समझते हो ना, पैट जो उल्टे लटकते हैं ना, अब बताओ इतना सा चमगादड़, वो आदमी से ज्यादा ताकतवर है, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा है, आदमी कमजोर हो गया, चमगादड़ को ही नहीं होता, चूहे खरगोशों को नहीं होता, कुत्ते बिल्लियों को नहीं होता, गधे को भी नहीं होता, घोड़े को भी नहीं होता, ऊंट को भी नहीं होता, बताओ, गधे घोड़े ऊंट को जो नहीं होता कोरोना, वो आदमी को खा रहा है, क्यों? आदमी कमजोर हो गया है, इसलिए हमको कमजोर। आपको बताया था ना, जीवन में स्वस्थ रहना और सफल बनना है तो शरीर से क्या बनना है? बलवान, और मस्तिष्क से, हृदय से, आचरण से, शीलवान, चरित्रवान बनना, ऐसा बनना, ऐसा जो बन गया वो कभी जीवन में बीमार भी नहीं होगा, और कभी लाचार भी नहीं होगा, कभी अस्वस्थ भी नहीं होगा, और असफल भी। ये दो लोग ना बड़े दुखी रहते हैं, जो अस्वस्थ हैं वो भी, और जो असफल हैं, जो अस्वस्थ हैं वो खुद भी दुखी होते हैं और घर वालों को भी। अब जैसे आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, कैंसर पता है मार देता है आदमी को, किसी को शुगर हो जाए, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए, तो फिर रोज गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर और शुगर बढ़ जाए तो इंसुलिन लगाना पड़ता है, सुबह शाम ऐसे ठक ठक सोई के सौ 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 पांच पांच सौ हजार हजार ऐसे छेद हो जाते हैं पूरे शरीर में, फिर हाथों में हो जाते हैं तो फिर पेट में लगाते हैं, फिर पेट में भी लगाते हैं तो फिर कुल्ले पर लगाते हैं, पूरा शरीर छलने छलने हो जाता है। अब बताओ आपको रोज दवाई खाने पड़े अच्छा लगेगा? इसका मतलब हमारी जो मूल मांग है वो बीमार होने की। आप में से कोई चाहता है कि उसको शुगर हो जाए? शुगर होते ही रसगुल्ले बंद, गुलाब जामुन, लड्डू और आद, आद, आद मिला। वो हम तो बहुत कुछ आपके लिए लेके आए थे, लेकिन वो जो ना रास्ते अभी बंद हो गए, फिर आते रहेंगे धीरे धीरे, अभी और को बहुत माल आएगा। लेकिन जो बीमार होते हैं वो लड्डू, वो और भी कोई लड्डू की बात नहीं, रसगुल्ला जलेबी कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी खाते समय उनको ये लगता है घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, नमक खाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, और ज्यादा घी खा लिया तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा, नमक खाया तो कैंसर हो जाएगा, मीठा खाया तो भी कैंसर हो जाएगा, लिवर किडनी फेल हो जाएंगे, और मोटे मोटी हो जाएंगे, कुछ तो इतने मोटे मोटे होते हैं कि डेढ़ डेढ़ दो दो क्विंटल के, मतलब चलते हैं ना तो वैसे लगता है ये भगवान ही कैसे चल रहे होंगे। हाँ, घर के दरवाजों में भी सीधे नहीं घुसते, टेढ़े होके घुसना पड़ता। एक हमारे मित्र थे, बहुत तगड़े थे, मित्र तो क्या थे, गुरुकुल के ही पढ़े हुए थे, पहले तो उन्होंने खूब पहलवानी की, सरिये सरिये मोड़ते थे, कार को रोकते थे, फिर व्यायाम करना बंद कर दिया, तो पहले तो पहलवान थे और बाद में हो गए मोटू राम, तो किसी के बाथरूम में घुसे टॉयलेट करने तो पूरा ही ऊंच खड़ी वाली टॉयलेट सी थी, बैठती तोड़ दाड़ी, सारा सामान बिखर गया।
अपना भी और पहले का भी। मोटा आदमी सुखी नहीं होता, मोटा आदमी दौड़ भी नहीं सकता। अब मोटे आदमी के पीछे बंदर लग जाए तो उसकी फुटबॉल बन जाएगी, और कोई कुत्ता दौड़ पड़े पीछे तो। अब मोटा आदमी कहीं सांप निकल आए तो खड़ा होकर के चिल्ला तो सकता है, बताओ, कहीं दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता। मोटा आदमी ठीक से बैठ भी नहीं सकता, और बैठते ऐसे लंबे लंबे सांस चलते उसके, फिर नाक से भी पूरा आता नहीं तो मुंह से लेता है, और रात को सोते समय भी करवट, नींद भी अच्छी नहीं आती है। और मोटे आदमी को फिर ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, मोटे आदमी को शुगर हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, यूं पेट आगे निकलेगा तो कमर भी झुक जाती है, उसका बेढंगा हो जाता है। बताओ, बीमार होना चाहिए? तो अस्वस्थ आदमी खुद भी दुखी रहता है, और जो जिसके परिवार में अस्वस्थ हो जाते हैं ना, तो माता पिता भी दुखी हो जाते हैं, भाई बहन भी दुखी हो जाते हैं, रिश्तेदार भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैंने कई बार कहा, मैं अस्वस्थ होकर के जीना, अस्वस्थ होकर के, मैं अस्वस्थ होऊंगा तो खुद भी दुखी होऊंगा, और मैं बीमार हो गया तो लाखों करोड़ों लोग, पहले तो वर्ल्ड की ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, योगी हुआ रोगी। अच्छा, मेरे बारे में कोई किसी को भी रोगी होना मंजूर? बोले स्वामी जी रोगी नहीं हो सकते, जब स्वामी जी नहीं हो सकते तो स्वामी जी के बच्चे भी रोगी, और स्वामी जी के बच्चे ही नहीं, स्वामी रामदेव का देश है ये भारत देश भी रोगी। लेकिन हो गया, बहुत लोगों को बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, मोटापा हो गया, रोज मैं दूर करता हूं। और गौरव की बात यह है, अब एक देखो, मैं स्वामी रामदेव ने क्या क्या किया, मैं अपनी उपलब्धियां इसलिए नहीं बता रहा है कि आपसे मुझे कोई नोबेल पुरस्कार लेना है, या कोई भारत रत्न लेना है, या पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री लेना है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं लेना है। लेकिन आपको ये बात बता रहा हूं, स्वामी रामदेव ने क्या किया, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी रामदेव फॉर कंट्री। तो क्या किया, करीब अभी 30 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया, और कोरोना होकर के ठीक भी हो गए। क्या हुआ, कोरोना हुआ, लेकिन कोरोना होकर के उनको दिक्कत नहीं हुई, उसको बोलते हैं ई सिम्टोमेटिक। क्या हुआ, मैंने कोरोना हुआ ठीक भी हो गए, उनके अंदर फिर एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। कितने लोग हैं, करीब 30 करोड़। कितने, इन 30 करोड़ में से कम 20-25 करोड़ लोग स्वामी रामदेव का बताया हुआ प्राणायाम करते थे, इसलिए स्वस्थ हो गए, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। यह है स्वामी रामदेव का कंट्रीब्यूशन, दिस इज द इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। एंड ये तो अभी अभी का आपको कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं, आस्था पर भी देखा, और फिर इंडिया टीवी पर भी सुबह सुबह 8 बजे आता है। आज तो देवप्रिया का ही आ रहा था, और सब बेटियों को भी देख रहे थे, आपका भी अभिनंदन है। हाँ, सब देवप्रयाग देवप्रयाग हो रखा है, मूल्या मूल्या हो रखा है सुबह सुबह। ये कितना मूल्यवान है ये मूल्या, जहां पर स्वामी रामदेव जाकर के बैठे हुए, जहां पर आस्था से कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, इंडिया टीवी से कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अरे भाई, ये तो बहुत सुंदर जगह है। सुबह से बहुतों ने मुझसे ही कह लिया, स्वामी जी हमको भी बुला लो मूल्या में, बहुत अच्छी जगह है, तो बहुत धरती का स्वर्ग है। पीछे सुबह सुबह बादल विश्राम कर रहे थे पहाड़ों के ऊपर, अभी भी चारों तरफ ऊपर देखो मेघ आच्छादित है आसमान में, और पीछे कितनी अच्छी अलकनंदा बह रही है, ऊपर से आती है एक तरफ से ये अलकनंदा, फिर भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, फिर सरस्वती और धोली 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 सफेद सफेद धोली गंगा, इस दूध गंगा, ये कितने आकर के इकट्ठे होते हैं सब यही अलकनंदा और इसमें भागीरथी में, तो ये देवप्रयाग में संगम है। बोलते हैं ना हमारे वेद में मंत्र आता है ना, उपवरे तो ऐसे संगम में हो देवप्रयाग। तो अब देखो, ये तो अब की बात है, अभी सृष्टि बने तो 1,96,08,53,119 वर्ष हो गए, करीब 200 करोड़ वर्ष हो गए। 200 करोड़ वर्षों से कैसे कार्यक्रम चलता होगा, हाँ? कितनी बड़ी रचना है प्रभु की, और कितना गौरवशाली इतिहास है हमारा।
और ऐसी इस देवप्रयाग की, इस तीर्थ की पुण्य भूमि पर आप यहाँ पर हैं, और सबको हम अब यहाँ से योगाभ्यास की शिक्षा दीक्षा तो दे रहे हैं आज, और भी कुछ बहुत कुछ बता रहे हैं। तो अभी बता रहे थे, अभी जो हमने आस्था पर, फिर डीडी नेशनल पर भी हमारा एक घंटा कार्यक्रम चलता है, और डीडी भारती पर भी, आपको कैसे पता, देखा है? तो डीडी नेशनल पर भी चलता है, डीडी भारती पर भी, आस्था पर भी, फिर इंडिया टीवी पर। और रोज कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग, कितने डेली, फिर नए नए जुड़ते रहते हैं, पुराने भी देखते रहते हैं, नए नए जुड़ते रहते हैं। ऐसे पिछले 4 महीने से अधिक समय तो इन पर ही हो गया है, इंडिया टीवी पर, डीडी नेशनल, डीडी भारती, और आस्था पर तो 20 साल हो गए। कितने 20 साल? उस समय तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी, स्वर्ग से देख रही थी मुझे। हाँ, फिर मैंने तुमको बुला लिया कि ऊपर ऊपर से मत देखो, आ जाओ। तो करोड़ों लोगों का कोरोना ठीक कर दिया हमने, करोड़ों लोगों का क्या ठीक कर दिया। बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे ये कोरोना की वैक्सीन हम बनाएंगे और पैसे कमाएंगे, उन ड्रग माफियाओं की दुकान बंद कर दी। ड्रग माफिया लूटने वाले कौन बैठे हैं बोलो? जो कमजोर लोग होंगे उनको कौन लूटेंगे? जो अस्वस्थ होंगे उनको कौन लूटेंगे? ये अच्छा, जिनका मन कमजोर है ना, और फिर जो उल्टी पुल्टी खाने पीने की आदतें पड़ जाती हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तमाकू, गुटखा, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, उनको फिर नशा माफिया लूटते हैं। वो भी ड्रग, उनको भी ड्रग ही बोलते हैं, एक तो दवा को ड्रग बोलते हैं और इनको भी ड्रग बोलते हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब। ये पूरे देश में करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो ऑफिशियल लूट होती है। कितनी ऑफिशियल? ऑफिशियल मैंने जो जिसके आंकड़े मिल जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर, अकाउंटेड डेटा, क्या बोलते हैं इसको, अकाउंटेड। और जो फिर जो अनअकाउंटेड होता है, एक अनऑफिशियल, एक होता है अकाउंटेड, जिसको गिन सकते हैं, जो ऑन रिकॉर्ड होता है, जिसको ट्रैक कर सकते हैं कोई भी, और जिसको ट्रैक नहीं कर सकते। दो नंबर में भी बहुत सा दवाओं का धंधा चलता है, नकली भी और असली भी, जिस पर टैक्स पे नहीं करते वो भी होता है, और ऐसे ही कोई कुछ भी कहीं पर भी तंबू गाड़ करके बना रहा है, जैसे शहर के किनारों पर होता है ना खानदानी दवा खाना। ये तो खानदानी दवा खाना, तो ये तो वैसे चलाते हैं लोग, पाखंडी लोग, बेपढ़े लिखे लोग, ऐसे ही कुछ कुछ डब्बियों में भर करके रख लेते हैं। और एक होते हैं, किसी ने 2-4 कमरे बना लिए जंगल में और वहां 2-4 मशीनें रख दी, उसमें कहीं पैरासीटामोल भर दिया, कहीं क्रोसिन भर दिया, कोई दूसरी तीसरा भर दिया, और भर भर के और अलग अलग दवाइयों की कंपनियों के लेबल छपवा लेते हैं और भेज देते हैं। भारत में नकली दवा का कारोबार बहुत बड़ा है, नकली दवा, नकली खाने पीने की चीजें, नकली घी। अब नकली घी कैसे बनाएंगे? तो नकली घी जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल में जो है उसमें वो हाइड्रोजन डाल करके उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, फिर उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल देते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल उसमें फ्रेग्रेंस, ये सब डाल करके, और फिर उसके अंदर एक तो वो सस्ता होता है पाम ऑयल, 60-70 रुपए लीटर का, और फिर उसके अंदर कुछ लोग तो मरे हुए पशुओं की चर्बी मिला देते हैं, और फिर बहुत गंदी गंदी चीजें और मिलाते हैं उसको, जहरीली चीजें, माने देखने में घी जैसा लगे, सूंघने में और खाने में पता नहीं लगे, और अंदर ही अंदर उसके अंदर जहरीली चीजें मिला देते हैं, उनको लोग खाते थे, नकली घी। अब असली घी मिलता है 400 रुपए किलो भैंस का, गाय का हम लोग 400 से 500 रुपए के बीच में, अब तो महंगा हो रखा है, करीब 500 रुपए के आसपास भैंस का घी, गाय का घी तो 550 रुपए हो रखा है। अब वो मिलेगा, वो बना देते हैं 100 रुपए में, बेच देते हैं 200 में, कमाई कर लेते हैं। और जो नीचे बेचने वाले, पूरा गैंग होता है उसमें, नकली घी, नकली दवा, नकली खाने पीने की चीजें। तो ये दवा माफिया, ड्रग माफिया, फिर और ये तीसरे माफिया, लग्जरी के चोर, लग्जरी माफिया, लग्जरी के लुटेरे, क्या बोला, लग्जरी के, किस नाम पर लूटते हैं। अब देखो ये पेन खूब अच्छा लिखता है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन ये पेन भी कितने कितने रुपए का बेचते हैं लोग, 5-10 रुपए। तो ये लूटने वाला नहीं है, तो और ये कॉस्ट है, इसमें तो पेन भी लग भाई, स्याही भी लगेगी, अंदर भी चीज लगेगी, तो 5-10 रुपए में तो लुटाई वाला काम नहीं है। लेकिन आगे क्या कर लेते हैं इसी को ही, ये 10 रुपए का पेन 100 रुपए में बेचते हैं तो वो भी लुटे रहे हैं, तो 10 गुना प्रॉफिट कमाते हैं। अब किसान जो है अपना जो आलू है, मटर है, टमाटर है, गेहूं है, कोई 10 गुना दाम पर बेचता है क्या? कभी नहीं बेचता। इसलिए दुनिया में सबसे कोई पवित्र कौम है तो वो किसान लोग हैं, जो कभी किसी को लूटते नहीं है। अब बेचारे उनके लिए कुछ अलग संकट हैं, उनको भी कुछ लोगों ने भेजका दिया यूरिया डीएपी कुछ पेस्टिसाइड डाल देते हैं, उनको पता भी नहीं, कई बार ऐसे भी डाल देते हैं तो उससे भी कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। अलग बात है कि जैसे आज भिंडी तोड़ी और मटर तोड़े और जो है वो तोड़े, तो उसको 5-7 पहले ही दिन उसके अंदर वो, जैसे भिंडी तो रोज तोड़ते हैं, जो थोड़ी बड़ी होगी उसको तोड़ लेते, कच्ची वहीं लगी रहती है, तो जब कच्चियों को बचाने के लिए कई बार इसलिए तोड़ने से पहले कम से कम 5-7 दिन पहले उसमें नहीं डालना चाहिए। खैर वो एक अलग बात है। तो मैं कह रहा था बाकी सब लोग लूट करने में जब मौका मिलता है वही लूट करने में लग जाता है। ये सैनिटाइजर आदि ना पतंजलि ने लॉन्च किया, उससे पहले 5-10 गुना दाम पर जो है ये यूनिलीवर वाले बेच रहे थे, ये डिटोल वाले बेच रहे थे, इन सब की दुकानदारी ठप कर दी पतंजलि ने, उनसे 10 गुना कम मूल्य में दे दिया उन्हें सैनिटाइजर। देखो आपको मैं बोल रहा हूं, दूसरी बात 10 रुपए का पेन 100 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए, 10-10 हजार का, 1-1 लाख का, 5-5 लाख के पेन आते हैं है? क्या कौन कौन से ब्रांड आते हैं उनके, क्या क्या तो माउंट ब्लैक माउंट है, माउंट कार्टो कार्डो जो भी है, पता नहीं क्या क्या, मैं तो मेरे को बहुत लोगों ने दिए पहले पहले, तो मैंने देखा भी क्या कितने रुपए का बोल दिया, 1 लाख रुपए का, मैंने कहा हमारा तो 5 रुपए का पेन बहुत है, 1-1 लाख के, 5-5 लाख के पेन। एक दिन मेरे साथ महाराष्ट्र में मैं था, तो नासिक का एक भाई मेरे साथ में गाड़ी में बैठा हुआ, उसको पसीना आ रखा, मैंने कहा भाई परेशान क्यों दिख रहा तू, स्वामी जी मेरी 5 लाख की घड़ी थी उस सुबह से खो गई। पांच लाख की घड़ी खो गई उसकी, और ये देखो मेरी 500 रुपए की घड़ी है, कभी खोती ही नहीं है। अभी 500 की भी है, पहले तो और सस्ती आती थी। हम छोटे बच्चे थे, हमने वैसे तो कहां घड़ी घड़ी गांव में देखते, लेकिन पहले वो टिम टिम करने वाली थी ना। 5 रुपए की या 2 रुपए की आती थी पहले टिम टिम वाली, तो ऐसे मेले में लेके आए थे। हमने तो घड़ी पहनी ही नहीं कभी। अभी तो घड़ी आजकल तो सब जगह दीवारों में घड़ी लगी हुई है, मोबाइल में घड़ी है, सब जगह घड़ी घड़ी है। इसलिए स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोई घड़ी पहनते ही क्या जरूरत है इसकी फालतू की चीज, मेरे कोई भी शिष्य शिष्या ही नहीं पहनते हैं फालतू की चीज, कोई जरूरत नहीं। और लोग, अरे साहब घड़ी में भी बहुत भयंकर भयंकर ब्रांड है, क्या है तो बहुत हा? राडो लाडो नहीं रेडो और पता नहीं क्या क्या है, एक तो बहुत मैं तो ज्यादा 50-50 लाख की घड़ी रोलेक्स, हाँ रोलेक्स की घड़ियां। एक दिन एक शोरूम में विदेश में गया, तो बोले स्वामी जी आपको चलो रोलेक्स की घड़ियां दिखाते हैं। मैं घुस गया अंदर, तो उसमें मतलब सामान्य घड़ी 5 लाख से तो शुरू होती है, 5 लाख से कम में शुरू नहीं होती। फिर दूसरी मैंने देखा ये किसकी है, बोले जी इसके तो वो लगे हुए गोल्ड वाली है, फिर ये डायमंड वाली है, ये ब्लैक डायमंड वाली है, और 5 करोड़ तक की घड़ी। कितने की? उस घड़ी के पहनने से मिलेगा क्या बताओ? इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा सादा जीवन। अब जब मैं 5 करोड़ की घड़ी नहीं पहनता तो कोई मेरा गौरव घट गया? अच्छा इससे कोई चिंता ही नहीं, मेरी इस घड़ी को कोई चुराता ही नहीं, नहीं तो 5 करोड़ की घड़ी रखो तो 500 बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे उसके लिए। एक साधु आ गया हरिद्वार में, उसने
5 किलो सोना पहन रखा था और 5 बॉडीगार्ड रखे थे। अभी पिछले दिनों मर गया, किसी ने लूट लाट लिया, सोना लूटा और बाबा काटा, उसका सोना लूट के काट के फेंक दिया। 5 किलो सोना था बाबा के पास। आजकल सोने का भाव बड़ा महंगा हो रखा है, 50 लाख रुपए किलो हो रखा है। तो 2 करोड़ रुपए का सोना मिल गया और बाबा जी को जो है बोटी बोटी काट के और खत्म कर दिया। क्या फायदा? लोग घरों में चोरों से क्यों डरते हैं? सोना है चांदी है, हम लोग कोई क्यों परेशान नहीं होता, ना सोना है ना चांदी है। लेकिन काम ऐसा है कि काम और जीवन, हमारे जीवन में हमारे भीतर ओज और तेज ऐसा होना चाहिए, हमारे सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है हमारा जीवन, ये हमारी दौलत है। देखो सोना चांदी पहनने वाले बीपी शुगर थायराइड मोटापा, बाबा जी लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, बाबा जी मर गए, नींद नहीं आती, सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके बैठे हैं और बीमार हैं। इसलिए बीमार व्यक्ति कभी सुखी, और वो दूसरों को भी दुखी करता है। और मैं कह रहा था उस बीमार आदमी को अस्वस्थ, और जो अस्वस्थ और जो असफल आदमी है ना, वो देखो जो अस्वस्थ आदमी है उसको मैंने कहा दवा माफिया लूटते हैं, और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसको फिर ये नशा माफिया लूटते हैं, कोई बीड़ी कोई सिगरेट शराब, फिर शरीर बेकार हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं खुश रहो, कैसे रहे स्वामी जी, खुश खुश रहने के लिए है क्या? अरे मैंने कहा देखो ये शरीर, अच्छा बताओ नरेंद्र मोदी को, बिल गेट्स को, बॉन बफेट को, या जुकरबर्ग को, ये तो बड़े बड़े पैसे वाले आदमी हैं, या पुतिन को, या अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप को, और चीन वाला कौन है जिनपिंग को, जो भी है, ये जो बड़े बड़े जिनको बोला जाता ना भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके और हमारे शरीर में कोई अंतर है? बड़े बड़े और जो 50-50, 100-100 करोड़ की तनख्वाह पाते हैं, इंदिरा नुई जैसे लोग, लेडीज में भी बहुत है, बहुत पैसे कमाती है, हाँ कुछ नौकरी करके कुछ बिजनेस करके। अभी तो भारत भारत में थोड़ा बहुत रह गया है, विदेशों में सब महिलाएं कार चलाती हैं, कोई एक भी सिंगल लेडी भी नहीं होती जो ड्राइविंग नहीं जानती हो। वहां 50% पायलट भी लेडीज हैं, सेना में भी 50% लेडीज हैं, पुलिस में भी 50% लेडीज हैं, टीचर्स में भी 50%, साइंटिस्ट में भी 50% साइंटिस्ट, सब जगह लेडीज जेंट्स कोई भेदभाव नहीं। ये भारत में पता नहीं ऐसा कैसे ये क्या हो गया, इस देश में तो ऐसा कुछ था ही नहीं है, बल्कि उन देशों में तो इतना था, आज से 50 साल पहले तक स्त्री में आत्मा नहीं मानते थे, 50 सालों में उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। तो इसलिए आने वाले 25-50 सालों में मैं भारत की बेटियों से पूरी दुनिया को बदलना चाहता हूं, ऐसी मजबूत बेटियां बनाना चाहता हूं कि आप में से बेटियां जो है जज बने, आप में से बेटियां जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने, पायलट भी बने, आप में से बिजनेसमैन भी बने, कलाकार भी बने, चित्रकार भी बने, सब काम करें बढ़िया बढ़िया, सारे अच्छे कामों में आप जा सकते, क्या है इसमें? जैसे मैं स्वामी रामदेव 100 से ज्यादा काम जानता हूं, 2-4 काम है जो मुझे नहीं आते, जैसे डांस करना नहीं आता, लेकिन डांस करने वाले बहुत है, सारे काम मैं ही करने लगूंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। लेकिन मुझे गाना भी आता है, बहुत अच्छा अच्छा गाना आता है, ठीक है मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, मैं यदि शो भी करूं ना गाने का तो भी करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। लोग जो गाने वाले शो करने वाले हैं ना वो बहुत पैसे कमाते हैं, हाँ वो तो फिर जैसी डिमांड होती है वैसे गाते हैं, फिर जैसे लोगों को अच्छे लगते हैं, बढ़िया बढ़िया गीत बनाने वाले अलग हैं, उनको धुन देने वाले अलग हैं, गाने वाले अलग हैं, फिर उनकी पूरी टीम होती है, पूरा ग्रुप होता है, और एक एक शो करने के 10-20 लाख तो छोटे वाले लोगों का रेट है, जो बड़े वाले उनका 25-50 लाख, और जो वर्ल्ड फेमस है उनका 1 करोड़ से लेके 10 करोड़, और किसी किसी का तो 50 और 100 करोड़ में एक शो होता है, कितने में 50 और 100 करोड़ में भी शो होता है एक, ऐसे ऐसे हैं। तो आप ऐसे बहुत अच्छे सिंगर आप भी बन सकते हैं क्या? उसके लिए आपको स्किल चाहिए, क्या चाहिए? अब नॉलेज तो ये हो गया सारे गामा पादा नहीं सा, सीख गए अरे सारे गामा पादा नहीं सा, तो ये जो है पादा नहीं सा सारे गामा मामा पापा पापा पा दादा 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 दा नी 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 गा कर लिया, तो ये तो नॉलेज हो गया। लेकिन उसके द्वारा फिर स्किल डेवलप करते हैं अपने भीतर, और ऐसे 7 स्वरों में पूरी दुनिया समाई हुई है, फिर उसके अंदर कई तरह से
फिर कई कई इंस्ट्रूमेंट के भी हैं, गाने वाले अलग हैं, बांसुरी वाले अलग हैं पूरे वर्ल्ड में, तबले वाले अलग हैं, फिर सितार गिटार वाले अलग हैं, और उनको भी करोड़ों करोड़ों रुपए भी कमाते हैं। कितने करोड़ों करोड़ों महीनों में सालों में उनके पास सैकड़ों हजार करोड़, दस बीस पचास पचास हजार करोड़ रुपए ऐसे लोगों के पास भी। तो कला में, संगीत में, साहित्य में, जुडिशियली में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, बिजनेस में, तुम बड़े बड़े बिजनेस कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो? बड़े बड़े स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल सकती हो, सब कर सकती हो, आपके अंदर सब कैपेबिलिटी है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज। सबसे पहले नॉलेज, दूसरा स्किल, दो बड़ी चीज है, नॉलेज है। इसलिए इस भारत के प्रधानमंत्री ने भी अभी एक कार्य योजना शुरू कर रखी है, आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी चीज है स्किल इंडिया। क्या नाम है उसका? कुशल भारत, कौशल भारत, कुशल भारत। तो उससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो अस्वस्थ लोग हैं ना, वो तो कभी आगे बढ़ नहीं सकते, उनको तो लूटेंगे चारों तरफ से लोग, और असफल लोग वो भार रूप होंगे। अब आपको चलो बहुत विषय है, मैं तो एक बारे में बात करूंगा तो आपको उसमें बहुत बातें सीखने को मिलेंगी, लेकिन आप बात ये कर रहा हूं, जो असफल लोग हैं वो तो दुखी रहते ही, सफल लोग तो पूरी। और मैंने कहा भगवान ने सब कुछ दे रखा, मैं अब यहां से आगे बढ़ाता हूं, अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। एक तो कामयाब लोग, एक नाकामयाब, कोई पसंद नहीं करता नाकामयाब, लेकिन है भारत में बीमार लोग और जो है ये सब नशा करने वाले, दवा खाने वाले, वो तो करोड़ों में है। 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको खाने को पूरी रोटी, अब कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को खाना नरेंद्र मोदी जी दे रहे, मोदी सरकार दे रही है। कितने लोगों को? 80 करोड़। इसमें 5 लाख करोड़ से ज्यादा तो खर्च हो चुका है, मुझे लगता है 5-1 लाख करोड़ पे और खर्च हो जाएगा। अब बताओ 10 लाख करोड़ देश को किसमें देना पड़ा? खाने के लिए। 10 लाख करोड़ में इस देश में यूनिवर्सिटी बनाते, स्कूल कॉलेज बनाते, 10 लाख करोड़ में इस देश में सड़कें बनाते, 10 लाख करोड़ रुपए इस देश के अंदर रिसर्च में लगाते, 10 लाख करोड़ रुपए इस देश की सेना को सशक्त बनाने के लिए लगाते, तो भारत अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता। इतने होते हैं 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़, और किसमें लगाने पड़ गए? खाने में, खाने में। क्यों? लोग कमजोर है, एक तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई। इसलिए मैंने अगला अभियान शुरू कर रखा है, और आप देख लेना 5 से 10 साल लग सकते हैं। वैसे मैं जोर से लग जाऊं तो 1 साल में भी एक कानून बनवा सकता हूं जनसंख्या नियंत्रण का, कि भाई 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, उससे ज्यादा अभी से देश को जरूरत नहीं है, और किसी किसी को तो 1 से भी ज्यादा नहीं, और कुछ लोग तो 4-4 तो शादियां करवाते हैं, 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, 1-1 बीबी से 5-5 10-10, 4-5 बीबियां 40-50 बच्चे, एक पूरा गुरुकुल एक आदमी तैयार कर देता है। लेकिन फिर वो बच्चे क्या करते हैं? कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई चोरी चकारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसा ऐसे पूरा गंद मचा रखा है देश में। सुनो, ये तो बाद की बात है, इसके ऊपर तो फिर कभी चर्चा करें, मैंने कई बार इस बारे में चर्चा की है, अब जरा गौर से सुनो। अस्वस्थ नहीं बनना, असफल नहीं बनना, सफल और कामयाब बनने के लिए। तो मैं कह रहा था भगवान ने हमको कोई कमी नहीं छोड़ रखी, सब जो दुनिया में बड़े से बड़े लोग हैं उनको जैसा शरीर दे रखा, बुद्धि दे रखी, भावनाएं दे रखी, उनके अंदर जितना सामर्थ्य है वो सब सामर्थ्य हमें भी। एक आदमी के शरीर की कीमत कितने? सब लोग कहते हैं ना भाई या इस आदमी के पास कितनी वेल्थ है, तो चलो हमारे पास कितनी वेल्थ है, ये शरीर की कीमत कितनी है? ऊपर से गिनना शुरू करो, दिमाग ये तो बेस कीमती है, जितने भी दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं किससे कमा रहे हैं? दिमाग से। माइंड इज मनी, मति ही सच्ची संपत्ति है, मति ही संपत्ति, और मति के बिना विपत्ति है। जो दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, ओहो वहां विपत्ति है। सुनो, फिर आंखों की क्या कीमत है, कान की क्या कीमत है, दांत की, नाक की, स्किन की एक एक सेल की, और फिर हार्ट की, लंग की, लिवर किडनी की, हाथों की। अब आपका हाथ कट जाए तो एक हाथ भी 5 लाख रुपए में लगता है, पैर भी,
नकली, और वो भी काम नहीं करता, खाली देखने देखने को ऐसा लगता पूरा होगा। नकली हाथ लगते हैं 5-5 लाख रुपए में, 10-10 लाख रुपए में, और दिन में थोड़ा सा मूवमेंट आ जाते हैं ना, वो उस सेंसर से लगे होते हैं, उनके तो और कीमत हो जाते हैं 25-25 लाख के, 50-50 लाख के, पूरी बॉडी की, माने बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितने? 37 ट्रिलियन, नॉट बिलियन, कितने? अब उनके एक एक सेल की कीमत देखी जाए, एक आदमी के स्टेम सेल से एक आदमी तैयार हो सकता है, स्वामी रामदेव के स्टेम सेल लेकर के और स्वामी रामदेव जैसे भी लाखों लोग तैयार किए जा सकते हैं। अब वो स्वामी रामदेव जितना दिमाग होगा या नहीं होगा वो तो आगे की बात है, स्वामी रामदेव जितना काम करेंगे, मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे वो आगे की बात है। एक एक आदमी, मैं बोलता हूं ना, वन सेल इक्वल टू वन बॉडी एंड वन बॉडी इक्वल टू वन यूनिवर्स, कितनी कीमत है। तो पिछले लोग जो है, कुछ वैज्ञानिकों ने ये शरीर बनाया, पहले तो जीनोम से बनाया, फिर जो है स्टेम सेल से बनाया, इसकी कीमत आकी गई करीब 500 करोड़ रुपए, 400 से 500 करोड़, अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट है। इतनी तो बिना दिमाग की कीमत है, आदमी आदमी के स्पेयर पार्ट बेचने की। जैसे कुछ लोग चोरी कर लेते हैं ना गाड़ियों को, दिल्ली में और बहुत सी ऐसी जगह हैं, और इधर यूपी में भी कुछ जगह हैं, वहां पर गाड़ी ले जाओ और काट कर बेच देते हैं, टायर अलग को बेच देते हैं, इंजन अलग को बेच देते हैं, सीटी अलग को बेच देते हैं, अलग अलग करके। देखो ये तो बॉडी के, फिजिकल बॉडी की कीमत है, इतनी तो कितनी, 500 करोड़। इसलिए किसी भी किस्मत कमजोर नहीं है, लेकिन इसका उपयोग ठीक से नहीं करते। दिमाग को पहले तो अच्छे से, अपनी कैपेसिटी को जानते नहीं, अपने ब्रेन को, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को, अपनी इमोशनल पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने विजडम को पहचानते नहीं, फिर उस इस्तेमाल नहीं करते। अभी मैं बोल रहा था दिमाग बढ़ाने की क्या क्या चीजें हैं, एक तो पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, दूसरा अष्टाध्यायी से, तीसरा योग में किस किस से, ध्यान, शीर्षासन, सर्वांगासन। दिमाग अच्छा होता है शीर्षासन और सर्वांगासन से, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, ओंकार गायत्री की जप से, तो योगाभ्यास से, एक शब्द से, योग करने से, ध्यान करने से, ओंकार गायत्री का जप करने से ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। जैसे बॉडी का, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन। कैसे? अब देखो बॉडी का एक्सप्रेशन किसी का बहुत अच्छा हो ना तो इतने बलवान बन जाते हैं। जैसे आप लोग बच्चों ने, अभी फिर हम उनको विशेष पारितोषिक भी देंगे, एक एक दिन में 2000 धातुएं अर्थ, और उनमें शब्द की हमने गणना की तो उसमें शब्द हो जाते 5000 से ज्यादा। दो बच्चे थे, चार घंटे में ना, क्या क्या नाम है, किसने याद किए थे 4-5 घंटे में धातु पाठ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, 4-5-6 घंटे में याद किया था, इधर आओ, मेरे पास आओ, मंच के पास। ये ऐसे करने से ब्रेन का पूरा एक्सप्रेशन हो जाता है। क्या नाम बेटा? दर्शनी। कितनी देर में याद किया था? 5.5 घंटे में। दर्शनी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, बहुत तेज दिमाग है इसका। अब जो बच्चा 5 घंटे में धातु पाठ की 2000 धातु में 5000 शब्द याद कर ले तो उसका दिमाग तो सुपर कंप्यूटर की तरह हो गया। बहुत आशीर्वाद इसके लिए भी। और आपने 5.5 घंटे में, क्या नाम है, प्रिया, प्रिया जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, 5.5 घंटे में 2000। और ऐसे बच्चे आईएएस आईपीएस क्या है इनके लिए, ये तो जो भी एग्जाम देंगे वही क्लियर कर देंगे, कुछ भी बन सकते हैं दुनिया, कुछ भी कर सकते हैं, इतना नॉलेज है। फिर एक्सीलेंस आ जाएगा, फिर स्किल आ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। चलो बहुत आशीर्वाद, चलो आगे। अब आप आओ, आपने कितने दिन में याद किया, 7.5 घंटे में। क्या नाम है? रेवी। रेवी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। कहां, कौन से प्रांत से आई हो? नेपाल से। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ भाई। चलो नेपाल में जाके भी धूम मचा देगी, और मेहनत करेगी तो थोड़े दिनों में वहां के कितनी बड़ी, वहां की डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस, और ज्यादा ही दिमाग लगाएगी तो वहां की प्रधानमंत्री बन जाएगी। क्या नाम है आपका? आदिति। कहां से? यूपी में। कहां से? सारण से, पड़ोस में से। हाँ, अच्छी बात है, पहले से हरिद्वार और सारणपुर एक ही जिला था। तो चलो, कितनी देर में याद किया बेटा?
5.5 घंटे में, जोरदार ताली बजाओ भाई। अब बताओ 5 फीट की तो हुई भी नहीं है, 5.5 घंटे में पूरा धातु पर 4,500 धातु याद करने बैठो, ऐसे तेज दिमाग हो जाता है धातु पंचोपदेश याद करने से, अष्टाध्यायी धातु पर तो ब्रेन ऐसे, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। पंचोपदेश भी बहुत अच्छा सुना है बहुत बच्चों ने, पंचोपदेश कितने बच्चों ने सुना है जरा एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ अपने स्थान पर ही खड़े हो जाओ जिन्होंने पंचोपदेश सुनाया है, 5 के 5 उपदेश। क्या नाम बेटा? अंकिता और दो ही थी, इधर आओ दोनों आओ, इनके लिए दोनों के लिए ताली बजाओ। जिसने पंचोपदेश याद कर लिया ना उसका तो दिमाग सुपर कंप्यूटर हो जाता है, एक एक दिन में उनादि को उसने याद किया। आपका क्या नाम है? अंकिता। खुश भी बहुत रहती है, ऐसे खुश रहना चाहिए। और आपका? खुशी। ये तो नाम ही खुशी है, तो अंकिता और खुशी के लिए जोरदार ताली बजाओ। और अभी की बात नहीं है, ये जो बच्चे ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे ना, वो दुनिया में ऐसे सफलता, सक्सेस, विजय और ऐसे जीवन में उपलब्धियां होती जाएंगी इनको, और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे इस पूरी मानवता के लिए जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है। ये तरीका अपने आप को डबला। देखो मैं दो शब्द बोल रहा हूं, ज्यादा फिर याद नहीं रहते। एक है एक्सप्रेशन, क्या है बोलो, और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ब्रेन का एक्सप्रेशन कितना है, इतना अनंत ज्ञान है हमारे भीतर, अनलिमिटेड नॉलेज, बोलो, अनलिमिटेड स्किल्स, अनलिमिटेड स्किल्स हमारे भीतर, कितने स्किल्स हम पैदा कर सकते हैं। 100 से ज्यादा स्किल तो मेरे अंदर है। कितने? 100 से ज्यादा स्किल्स मेरे अंदर। बोलने का भी स्किल है मेरे अंदर, योग का भी स्किल है मेरे अंदर, फिटनेस का भी स्किल है मेरे अंदर, जो है हेल्थ में भी जो स्पेसिफिक जो स्पेशलाइजेशन होता है उसका स्किल है मेरे अंदर, एग्रीकल्चर का भी स्किल है, इंडस्ट्री का भी स्किल है, बिजनेस का भी स्किल है, सिंगिंग का भी स्किल है, स्विमिंग का भी स्किल है, कोई तरह के खेल खेलने का स्किल है। मैं 15-20 तरह के तो खेल खेलना जानता हूं, वो तो खेल खेल में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खेल के सीख गया। ऐसे स्किल आने चाहिए आपको। हाँ, और मेरे अंदर सबसे बड़ा स्किल है मैं करोड़ों लोगों के भीतर घुस जाता हूं। किस में घुस जाता हूं? करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में घुस जाता हूं, फिर मैं जो चाहता हूं वही उनसे करवा लेता हूं, अच्छे अच्छे काम। बुरे नहीं, तो ये भी एक स्किल होता है कि आप करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच सकें। मास अपील, मास फॉलोइंग, मास कनेक्टिविटी, दिस इज द बिगेस्ट स्किल। कोई भी आपको बड़ा काम करना है, बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, इसको करोड़ों लोगों तक आपको कोई बात पहुंचानी है तो उसके अंदर ये मास कनेक्टिविटी के लिए आपको एक इमोशनल लेवल पर इतना आपको वो होना चाहिए। तो सुनो बच्चों, दिमाग बढ़ता है योगाभ्यास से, किससे बढ़ता है? विद्याभ्यास से, किससे बोलो? और फिर दिमाग बढ़ता है प्रकृति को देखने से। प्रकृति को देखते हैं ना तो इसमें भी कई तरह की चीजें सीखने को मिलती है। प्रकृति भी हमें ज्ञान देती है, कुशलताएं देती है, बहुत कुछ सिखाती है। सारे अनुसंधान प्रकृति को देख देख कर, आइंस्टीन न्यूटन से लेकर के और सारे हमारे गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि सब ऋषि मुनियों ने प्रकृति को देख करके बहुत सारे नए नए आविष्कार किए। तो प्रकृति से हमें ज्ञान मिलता है, किससे ज्ञान मिलता है? और करने से, ज्ञान से ज्ञान मिलता है और करने से कुशलता अपग्रेड होती जाती है। इसलिए बोलते हैं योग कर्मसु कौशल। एक्सपीरियंस से भी हमारी कुशलता बढ़ती है, एक के बाद दूसरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। और ये तो सारी कुशलता ऐसे ऐसी बढ़ती है। पहले दिन तबला ऐसे ऐसे बजाते हैं, ऐसे ऐसे पहले दिन हारमोनियम बजाते हैं तो कुछ का कुछ स्वर निकलता है, फिर धीरे 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 ऐसे। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, हर चीज को बढ़ाना है, अच्छी किसी भी चीज को बढ़ाना है अभ्यास से। सारी कुशलताएं किससे बढ़ती हैं बोलो? तो ये आपको सफलता के मंत्र दे रहा हूं, कल पूछूंगा फिर। हाँ,
कि आपको सफल बनना है जीवन में तो कौन कौन सी चीजें आपको सफल बनाएंगे, ऐसे कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी कुशलताएं हैं, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको करके आप जीवन में सफल बन सकते हो। चलो लास्ट बात, सब कुछ किससे हासिल होता है? शरीर से। शरीर रहेगा तो तभी तो सब कुछ हासिल हो गया। अब शरीर में से प्राण निकल गया तो फिर कोई घर रखेंगे ना, कोई गुरुकुल में रखेगा ना कोई घर में रखेगा। माता पिता भी जिसका प्राण निकल गया अपने बेटा बेटी को कहां ले जाके फूंक देते हैं? शमशान में ले जाकर के उसको अग्नि के हवाले कर देते हैं, कोई दफना देते हैं जमीन के अंदर, कोई जो है हैं फिर चीखते चिल्लाते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे प्रिय, उसमें फूंक देते हैं, मशीनों में फूंक देते हैं। सब कुछ ऐसे ही करना पड़ता है। तो सारी चीजें किससे हैं? शरीर से। सारी चीजें किससे? बोलो। और शरीर की में भी, यदि शरीर में सबसे ज्यादा, अब देखो सारी जीवन में कुछ भी पाना है, स्वस्थ रहना है, सफलता पानी है, विजय पानी है, प्रसन्नता पानी है, जिंदगी में जो कुछ भी पाना है उसके लिए सबसे पहला शरीर चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, उत्तमम आरोग्यम मूलम धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, आद्यम है उसका। तो सबसे बड़ी चीज आपके पास, और शरीर में सबसे बड़ी चीज क्या है? शरीर में, अब जैसे कुछ तो पहलवान बॉडी का एक्सप्रेशन, बॉडी तो मजबूत बना सकते हैं लेकिन उसकी एक सीमा है। कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा 5 टन वजन उठा सकता है, 5 टन भी बहुत होता है। कितना? 5 टन उठाने वाले फिर बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, 2-2, 2.5-2.5 क्विंटल के आदमी होते हैं, और वो बल बढ़ा करके तगड़े होते हैं। एक तो मोटे होते हैं पूरे, फुटबॉल गोल मटोल, वो नहीं। बॉडी के एक्सप्रेशन की एक लिमिट है लेकिन ब्रेन के एक्सप्रेशन की कोई लिमिट, इमोशंस के एक्सप्रेशन की कोई लिमिट। तो हम अपने ब्रेन और इमोशंस को कितना ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं? जितना बड़ा ये यूनिवर्स है, इतना बड़ा है ये हमारा ब्रेन और हार्ट का एक्सप्रेशन हमारे। इसलिए शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? उसके बाद लंग, उसके बाद लीवर और किडनी, फिर पेनक्रियास, फिर आंखें। आंख नहीं हो जाएंगी तो क्या करोगे? ऐसे ज्ञान इंद्रियां सारी, आंख, कान, अरे नाक तो कोई बात नहीं, मतलब मुंह से ले लेंगे, या नाक में कुछ हो भी गया ना तो छेद छाद कर देते हैं आजकल उसको काट कूट करके ठीक ठाक कर देते हैं। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंख और कान, फिर नहीं तो बोलती बंद, फिर ऐसे ऐसे कर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलने के भी काम आता है, ये गाने के भी काम आता है। और कोई बहुत, कुछ लोग इतना प्यारा बोलते हैं, उनकी उनकी बात सुन के सबको उनसे प्रेम हो जाता है। अब जैसे चेयरमैन साहब पहली बार आए, ये 2 बार हरिद्वार भी गए, हम नहीं मिल पाए इनसे, श्री कृष्ण कांत जी, हाँ कोटियाल जी, फिर आज बोला आज तो मैं मिलके ही जाऊंगा, तो सुबह से यहीं जमे हुए हैं। फिर मेरे से बोल, मैंने कहा भाई अभी सत्संग होगा बैठोगे क्या? हाँ चलो बोले, थोड़ी देर बैठते, अभी डिगने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? इनको मेरी बातें अच्छी लगी और इनको मेरे से प्यार हो गया मोहब्बत हो गई, स्नेह हो गया, श्रद्धा हो गई। अरे स्वामी जी तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, अरे घर जाके क्या करेंगे, वहां तो खाटा ही तोड़नी है, कुर्सी पे बैठना है, खाना पीना ही खाना है, तो वो खा लेंगे कोई बात नहीं। यहाँ स्वामी जी को इतना अच्छा सत्संग चल रहा है तो कैसे छोड़ के चले जाए? तो ये गला कोई काम करता है? हाँ, कोई लोग बोलते हैं तो सारा जमाना सुनने लगता है। रोज मुझे कम से कम 1 से लेकर के 5 और कभी कभी तो 10-10 करोड़ लोग सुनते हैं मुझे, 1 से लेकर 10 करोड़ लोग का। ऐसे ही आपके अंदर भी ये सारी कुशलताएं पैदा कर रहे हैं। शेष विषय बाद में बताएंगे, एक भजन सुनाएंगे अब अंत में। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वैसे तो दुनिया के भी सब बच्चे ही अच्छे होते हैं लेकिन उसमें हमारे
पतंजलि योगपीठ देव प्रयाग मुल्या गुरुकुल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं। और यहां जो भी आता वही ऐसा बोलता है कि यहां के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। और आप फिर आपसे आने वाले 10-15 सालों में क्या क्या होने वाला है और आपको क्या क्या करना है, कैसे अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करके, अपने स्किल्स को एक्सप्रेस करके, अपने स्ट्रेंथ को एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी, आपको सबसे बड़ा काम करना अपने बॉडी पर, किसके ऊपर काम करना, अपने माइंड पर, अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर, अपने एक्शंस पर, अपने अभ्यासों पर, बस इसी पर काम करना है, यही आपका फील्ड है। और इसको जिसने ठीक कर लिया फिर वो आगे बढ़ेगा। भजन सुना रहे थे कौन सा, चलो तो ये मातृ मंदिर के पुजारी, ये सारे, ये धरती उस भगवान की, उस जगदम्बा की, उस जगन माता की, ये सारी की सारी सृष्टि, इसमें हम आराधना कर रहे हैं मातृ मंदिर के पुजारी। योग साधना करते हुए, विद्या आराधना करते हुए, अपने जीवन की दिव्यता बढ़ाते हुए, अपने कर्म से उस प्रभु की आराधना करते हुए, चलो आप क्या साधना कर रहे हैं उसको भजन में भी गा रहे हैं, चलो गाते हैं सब खुशी से, प्रसन्नता से। मातृ मंदिर के पुजारी I'm not afraid।
जीवन जीते हुए अपने सब प्रकार की दिव्यताओं का, कुशलताओं का, ज्ञान का, अपने सब प्रकार की प्रभु प्रदत्त दैवी संपत्ति का, जिस दैवी संपत्ति को आप रोज गाते हो ना, अभयम सत्व संशुद्धिर धानम तमस्यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलो लुप्तम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिशौचम् अत्रोः नाति मालिका भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। ऐसी दैवी संपद आपके अंदर बढ़ रही है और आप बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो आपकी प्राचार्य जी हैं उनमें भी ज्ञान से लेकर के और कला से, संगीत से लेकर के सब प्रकार की दिव्यताएं और सब मिलकर के किस कितनी दिव्यता से इस पूरे अनुष्ठान को आप इतना बल प्रदान कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी जैसे आपने शास्त्र सुनाए, पूज्य गुरुदेव और पूज्य साध्वी देवमयी जी आई तो उन्होंने मुझे बताया सब बच्चों ने बहुत अच्छे शास्त्र सुनाए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन। इससे पहले चाहे जो भी विद्वान यहाँ पर आते हैं, हमारे श्रद्धेय आचार्य प्रचेता जी, कि यहाँ के बच्चे तो अद्भुत हैं, संस्कृत संभाषण भी बहुत अच्छा करते हैं, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा बोलने लग गए हैं, खाली भाषाएं नहीं और भी बहुत कुछ आप सीखते हैं, और दिव्यता आप में सब प्रकार की इतनी ज्यादा है। पिछले दिनों पूज्य साध्वी देव प्रिया जी आई तो वो भी आपकी इतनी बड़ाई करती हैं कि ऐसे बच्चे तो धरती पर कोई नहीं है, ऐसे ऐसे बात करते हैं सब आपके बारे में कि बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, और सच में आप अच्छे बच्चे हैं, आपके मुंह पर आपकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। आपसे चाहे हम मिले, बहुत ज्यादा नहीं मिल पाते हैं, आप थोड़ा हिमालय के योगी आत्मा हो, बहुत ऊंचाई पर रहते हो, आपसे कम मिल पाए भले ही हम, लेकिन आपके सारी कुशलताएं, आपकी सारी दिव्यताएं, आपकी सारी सफलताएं, आपकी विजय के गीत इतने गूंज रहे हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि हमारे पतंजलि कुरुकुलम देव प्रयाग मुल्या के बच्चे कितने अच्छे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले भारत माता की जय।